फ्रेंड्स, खानाखिलान.com में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं शालिनी आज आपके लिए लाई हूँ सबका फेवरेट हनी चिली पटेटो, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता और बहुत ज़्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और इसे पहले देख लेते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के आलू, जिन्हें मैंने धोकर छीलकर और लंबे लंबे स्लाइस उनके बना लिए हैं। 1 कप स्प्रिंग अनियन है, 1/2 कप शिमला मिर्च है जिसे मैंने डाइस किया है, 1/2 कप प्याज इसे भी डाइस किया है, 2 टेबल स्पून गार्लिक है चॉप कर लिया है मैंने, 1 हरी मिर्च 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा है इसे भी चॉप कर लिया है, 2 टेबल स्पून वाइट तेल है, नमक, चिली फ्लेक्स 2 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून, वाइट सिरका है, चिली सॉस है 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस और 2 टेबल स्पून लिया है मैंने हनी, और तलने के लिए है तेल। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे लगभग 2 ग्लास पानी। हाफ टी स्पून नमक, गैस फुल कर देंगे और पानी को बॉईल करेंगे। पानी गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे ये आलू और इन्हें हम 2-3 मिनट तक बॉईल करेंगे। दो मिनट हो गए हैं, आलू हमारे अच्छे से बॉईल हो गए हैं। सिर्फ 2-3 मिनट ही करना है, ज़्यादा नहीं करना, गैस ऑफ कर देते हैं और अब हम इसे स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। मैंने सारे आलूओं को स्ट्रेनर में निकाल लिए हैं, अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक मैंने दूसरे पैन में तेल रख दिया है जिसे गर्म करने के लिए रखा है, इसे मीडियम हीट पर रखिएगा और ये आलूओं को ठंडा कर लीजिए। आलू ठंडे हो गए हैं, इसमें मिलाएंगे 1/2 टी स्पून नमक और डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर और इन आलूओं को अच्छे से इसमें कोट कर देंगे। आलू अच्छे से कोट हो गए हैं, इधर हमारा तेल भी गर्म हो गया है, चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। गोल्डन कलर से पैन हमारे तल गए हैं, अब मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ।
मैंने ये कॉर्नस्टार्च डाला है क्योंकि कॉर्नस्टार्च बाइंडिंग का काम करता है। मैं आपको दोनों तरह से बताना चाहती हूँ। एक तो मैंने ये इस तरह से उछाल के इसको हल्का हल्का कोट किया था और मैंने इसको फ्राई किया था। आप दूसरे तरीके से आप चाहें तो इसमें हल्का सा 2-3 चम्मच पानी डाल सकते हैं। अगर आपको इसकी मोटी लेयर रखनी है कॉर्नफ्लोर की तो आप इस तरह से भी इसको रख सकते हैं और इनको फिर फ्राई कर सकते हैं। चलिए, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिला लिया है और इस तरह से हम इसको भी फ्राई कर लेते हैं। मीडियम हीट पर कीजिएगा। कॉर्नफ्लोर आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पर मिल जाएगा। पोटैटो गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और अब इनको बाहर निकाल लेती हूँ। अब हमने ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे गार्लिक। इसे भूनेंगे। हरी मिर्च, अदरक, थोड़ी सी डालेंगे स्प्रिंग अनियन। साथ में डालेंगे कैप्सिकम। अब हम इसको कॉफी करेंगे इसे भी। सब सॉटे हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे सारी सॉटे चिली सॉस, टोमेटो केचप। आप इसे जितना स्पाइसी बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चिली सॉस और चिली फ्लेक्स वगैरह डाल सकते हैं। वाइट विनेगर, सोया सॉस, चिली फ्लेक्स, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिक्स कीजिए। गैस को सिम कर दीजिए। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें हम लगभग आधा कप पानी डालेंगे और इसका एक लंप सी पतला सा घोल बना लेंगे। कॉर्नफ्लोर को हमेशा नॉर्मल वाटर में या कोल्ड वाटर में ही मिक्स कीजिएगा। गर्म पानी में पड़ने में तुरंत उसमें लंप्स पड़ जाएंगे। देखिए इस तरह का
पतला सा वो तैयार हो गया है। इसमें मिक्स करूंगी और इसको फिर से हम मीडियम फ्लेम पर ले आएंगे और एक जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता तब तक हम इसको ऐसे ही चलाएंगे। ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा भी होने लगा है। कलर चेंज हो गया है। गैस को सेव कर लीजिए। अब गैस को बंद कर दीजिए। अब इसमें डालेंगे हम पोटैटो जो हमने फ्राई किए थे। मिक्स करेंगे। सबको अच्छे से कोट कर देंगे। डालेंगे थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन और साथ में डालेंगे इस पर व्हाइट तिल। मिक्स करेंगे। अब इसको फिनिशिंग देने का टाइम आ गया है। प्लेटिंग से पहले इसमें डालेंगे हम हनी। इसके बिना ये रेसिपी अधूरी है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी लग रहा है। चलिए अब वक्त आ गया इसको खाने का। प्लेटिंग करते हैं। हनी चिली पोटैटो बहुत ही जबरदस्त बना है। आप इसे जरूर बनाइएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।